फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। आज है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन और विरोनिका रियाज सो रहे हैं। आज विरोनिका कह रही थी कि मुझे फास्ट रखना है तो थोड़ा लेट ही उठाना, बाकी ये चले गए हैं ऑफिस और मैं आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए। तो मैं अभी बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ खाने का सामान। सबसे पहले मैंने मावा थोड़ा भून लिया है, उसके पेड़े बनाऊंगी और उसके बाद विरोनिका को उठाते हैं, देखते हैं क्या करती है, आज फास्ट रखती है या नहीं रखती है। मैंने बर्फ़ी बना ली है फ्रेंड्स लड्डू गोपाल जी के लिए और अभी मैं पेड़े बना रही हूँ क्योंकि मावा अभी ठंडा नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा इतना टाइम का यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा बर्फ़ी बना लेती हूँ भोग के लिए। तो मैंने बर्फ़ी बना ली है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। ये रही बर्फ़ी, खाने में तो पता नहीं कैसी होगी लेकिन पीस अच्छे से कट गए हैं और ये मैंने पेड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। इन पर मोटी इलायची की डेकोरेशन कर दूँगी और अभी बाद में बनाती हूँ पूरे करके, पहले मैं आपको दिखाती हूँ विरोनिका की पूजा की तैयारी और अब मैं दिखाती हूँ आपको वो कैसे कैसे डेकोरेशन कर रही है, क्या क्या कर रही है। आज विरोनिका कर रही है डेकोरेशन, सारी मंदिर की डेकोरेशन विरोनिका ने करी है। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। ये मोर पंख यहाँ लगा दिया, अरे वाह, ये तो हवा हवा के काम आएगा। अब इसमें ठाकुर जी बैठा दो। नहीं, 12 o'clock नहला कर फिर से नहलाएगी। चलो तो इतना और डेकोरेशन कुछ रह रहा है तेरा? ओ ये मोर पंख तो इधर वाले तो गिर गए इधर, कोई बात नहीं अभी उठा दो। कुछ तारीफ तो कर दो। तारीफ ही तारीफ है, जो काम करा कराया मिल जाए उसकी तारीफ ही तारीफ। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताना विरोनिका की मंदिर डेकोरेशन कैसी लगी है। और विरोनिका पहन रही है आज रक्षाबंधन वाली ड्रेस, कह रही है कि मैं ग्रीन कलर की पहनूंगी क्योंकि छोटे वाले लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है ना वो ग्रीन कलर की है। ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल की ड्रेस है, मैचिंग करके पहन रही है, पहन। और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी की मैंने आपको कल दिखाई दी थी ड्रेस, ये एक ही उससे रिबन से बांधी दोनों को है, दोनों इकट्ठे झूलते रहेंगे। मैं ना ऐसे करूंगी, ऐसे बैठूंगी ऐसे कर कोई बोल देती है, फिर आप इधर बैठोगे और पापा इधर, यहाँ पे झूलाऊंगा। सुंदर लग रही है, वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला फ्लावर्स भी लगा दे कहीं, नहीं मटकी में तो मक्खन रहेगा ना, मक्खन क्या कॉटन डालेंगे इसमें, तो ये मक्खी मटकी मेल्ट हो जाएगी सारी। तो इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, अभी तो क्लीन हो रही है, अभी तो थोड़ी डर्टी हो रही है, इसके अंदर वो भी तो डाल सकते हैं, मतलब दो डाल सकते हैं। अरे यहाँ पर गिर जाएगा ना। हाँ ये भी बात सही है। चलो तो अभी फ्रेंड्स हम रेडी होकर फाइनल जब मिलते हैं, मार्केट भी जाएंगे, घूम कर आएंगे, देख कर तो आएंगे कि जन्माष्टमी कैसी हो रही है। मंदिर जाने के लिए हो गए रेडी और रियांश को अभी भी नींद आ रही है। ओहो, विरोनिका को भी नींद आने लग गई, विरोनिका का फास्ट है, विरोनिका को तो इसलिए आ रही है, पर रियांश को क्यों आ रही है? तो भगवान जी वाले मैचिंग के कपड़े पहन रहे हैं जी वाले। येलो येलो होना चाहिए ना, ऑरेंज ऑरेंज खाली चले। चलो सब बैठ गए कार में और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ड्रिजलिंग हो रही है। हाँ, ठाकुर जी का जन्म होने वाला है इसलिए बारिश शुरू हो गई, ये देखो हल्की हल्की बारिश। मम्मा मेरे बर्थडे पे भी बारिश होती है, ठाकुर जी के बर्थडे पे भी बारिश होती है। अरे वाह वाह, जन्माष्टमी देख भी पाएंगे नहीं हम? पता नहीं आज जन्माष्टमी देख लेंगे नहीं? नहीं, हम गाड़ी खड़ी करके चल लेंगे ना। अरे फिर भीग तो जाएंगे। तो क्या हो गया? अरे भीग जाएंगे बारिश में तो, कभी कभी तो भीगना चाहिए। आगे आते आते बारिश हो गई खत्म और अभी आई है विरोनिका जूस पीने के लिए, पर इसके पापा ने बोला कि पहले जूस पिला दो, कभी लड़की को चक्कर आ जाए। आ गई एनर्जी, बहुत अच्छी आ गई है, बहुत अच्छे वाली जूस, बहुत यम्मी था, कुछ पेट में दर्द हो गया है। मैं कह रही हूँ खाना खा रहे तो खाना खा नहीं रही है। तो जूस कितना अच्छा होता है? हाँ जूस अच्छा होता है, लेकिन ये डेली थोड़ा ही पीती है जूस, पीछे कर दी, ये जूस थोड़ा ही पीती है रोज। अरे सीट को इतना गे कर भाई। रियाज देखो, रियाज का वैसे ही फायदा हो गया है, कहने लगा मैं भी जूस पीने चलूंगा। चलो जूस तो अच्छी चीज है, रोज पीना चाहिए,
पर विरोनी का तो रोज कहती है मेरा रोटी के बिना काम नहीं है मम्मा। हाँ अब चलते हैं मंदिर में देखने। कार को कर दिया पार्क और अब चलते हैं मंदिर में। मंदिर थोड़ी दूर है पैदल पैदल। कार को कर दिया पार्क, मंदिर थोड़ी दूर है तो अब हम चल रहे हैं पैदल पैदल रोड पर। और विरोनिका रुक गई, अब थोड़ी सी एनर्जी आ गई विरोनिका के अंदर। बहुत भीड़ है आगे, जाम लग गया सारे में, सब हमारे से पहले देख के जा चुके हैं। दुर्गा माता भवानी मंदिर, अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। चलो विरोनिका टीका लगवाएगी। ये रहे लड्डू गोपाल, इनको झूला झुलाते हैं सबसे पहले।
खड़ा होना पड़ा शेड के नीचे यहाँ। ये कृष्ण जी का जन्म हो रहा है अब। आ गए पापा, आ गए। एक एक जाओ, एक एक जाओ, पहले खोल के बैठो जल्दी 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 बैठ बैठ वीरू। मैं भी चलती हूँ भाग भाग के, भाग भाग के, भाग भाग के। बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। उतर उतरते ही वो कर लियो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। टाइम हो गया है 12:15 और हम घर आ गए थे। हमने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, चौकीदार भी आ चुका है रात को। और लड्डू गोपाल जी बैठ चुके हैं अपने मंदिर में, अपने झूले में, क्योंकि टाइम हो गया है 12:15। और विरोनिका अब खाना खाने बैठ गई है। विरोनिका का भी टास्क कंप्लीट हो गया है। विरोनिका ने आज रखा है पूरे 12 बजे तक का व्रत और अब बज गया है 1:00। और हमने बनाया है कुट्टू की पकौड़ी और चटनी वाली दही, जो कि विरोनिका की फेवरेट है पकौड़ियों के साथ। इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर। फ्रेंड्स अब मैं भी डिनर कर लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। बाय बाय।